नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं हम लोग इमैनुअल कांट के महत्वपूर्ण योगदान को। जैसा कि इनका जीवन काल देख रहे हैं 1724 से लेकर 1804 तक था। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं इमैनुअल कांट को संक्षेप में। जैसा कि देख रहे हैं इनका जीवन काल 1724 से लेकर 1804 तक था। एक महत्वपूर्ण पॉइंट बना यहाँ पे हम लोग को। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे इनका एक मेमोरी बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं जूम करके अच्छे से। इमैनुअल कांट का जन्म पूर्वी एशिया में कोगिंसबर्ग में 22 अप्रैल 1724 को हुआ था। पूर्वी एशिया में कोगिंसबर्ग नाम जगह पे इमैनुअल कांट अपने समय के एक महान व्याख्याता, दार्शनिक, विचारक और भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने डिजनी अर्थात ऑन फायर पर शोध पत्र प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा इन्होंने मानव प्रजाति, वायु की प्रकृति, भूकंप एवं उनके कारण, नक्षत्रों की सामान्य धारणाएं एवं सिद्धांत आदि पर महत्वपूर्ण रचनाएं प्रकाशित किए थे। भूकंप उनके कारण एवं नक्षत्रों की सामान्य धारणाएं एवं सिद्धांत। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स और दर्शनशास्त्र पर आधारित है। इन्होंने 1765 ईस्वी से लगातार 30 वर्षों तक प्रत्येक ग्रीष्म अवकाश काल में भूगोल विषय पर बहुत चर्चित भाषण माला प्रस्तुत की, जो कि मुख्यतः भौतिक भूगोल पर प्रस्तुत किया गया था। 1765 ईस्वी से लेकर लगातार 30 वर्षों तक इन्होंने किया था। नेक्स्ट, कांट ने सर्वप्रथम भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया था। इनके अनुसार भूगोल एक विज्ञान है जो स्थान से संबंध वस्तुओं का अध्ययन करता है। स्थान से संबंध वस्तुओं का अध्ययन करता है। कांट को भी रिटर के जैसा आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता माना जाता है। कांट का एक महत्वपूर्ण कथन है, इतिहास मानवीय घटनाओं का कोष है जो कि समय के अनुसार गतिशील रहता है और स्वरूपित होता है। जबकि भूगोल के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि भूगोल प्राकृतिक घटनाओं का कोष है, अर्थात भूगोल प्रकृति की गहराइयों को झांकता है। कांट को अपवादवाद का पिता कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आ चुके हैं, अच्छा इसे कृपया अच्छा से याद कर ले। कांट द्वारा भूगोल का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया था। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा गणितीय भूगोल, तीसरा राजनीतिक भूगोल, चौथा वाणिज्य भूगोल, पांचवा नैतिक भूगोल और छठा वातावरणवाद भूगोल। इस तरह से इन्होंने दोस्तों आधुनिक भूगोल के नींव रखने का काम किया, जो आगे चलकर अन्य विभिन्न शाखाओं में और वर्गीकृत किए गए। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है नेट GRF UPSC ज्योग्राफी। इसे टाइप करके आप टेलीग्राम पे हमारे सभी वीडियो के सॉफ्ट कॉपी PDF के रूप में ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल सिटी ऑफ ज्योग्राफी मनोज कुमार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।